माहेश्वरी युगल संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर माहेश्वरी समाज ने रजत जयंती उत्सव मनाया। इस मौके पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति बनाकर भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया। इसी के साथ ही संस्कारों का पाठ भी पढ़ाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। माहेश्वरी युगल संस्था ने सफलतम 25 वर्ष पूरे करने पर रजत जयंती वर्ष मनाया। सावन के महीने में माहेश्वरी समाज का रजत जयंती उत्सव भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर रहा। संस्था ने अनूठी पहल करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना और अभिषेक कराया। सावन का पावन महीना है, माहेश्वरी युगल का ये रजत जयंती वर्ष है। हम इसको पारिवारिक माहौल में हमने इसको मनाया है। पूरे पेरेंट्स सहित हमने आज एक एक सदस्य के पूरे परिवार को बुलाया है और अभिषेक और विधि विधान से यहाँ पर पूजन करवाया गया है। 21 ब्राह्मणों द्वारा पिपरिया की एक टीम आई है, उन्होंने हमारा पूरा विधि विधान से पूजन करवाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी हूबहू प्रतिकृति यहाँ पर निर्माण की गई है, साथ ही 151 ज्योतिर्लिंग 151 शिवलिंग बनाए गए हैं और उनका सभी का एक एक परिवार ने पूरा विधि विधान से पूजन किया गया। इसके माध्यम से संदेश ये दिया है कि तीनों पीढ़ी मिलकर एक साथ अभिषेक कैसे करते हैं, तीनों पीढ़ियों को एक साथ मिलकर अभिषेक करना हमने थोड़ा सा बताया है कि तीन पीढ़ियाँ दादाजी पापा मम्मी और हम और हमारे बच्चे मिलकर सभी ने मिलकर परिवार जुड़कर एक भोले बाबा का अभिषेक किया है सभी ने मिलकर। खुशी का विषय है कि आज अपनी माहेश्वरी युगल जिसकी संस्था को स्थापना को आज 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इस सुखद अवसर पर हम रजत जयंती वर्ष जो मना रहे हैं इसके लिए हमने पेरेंट्स मीटिंग का एक बहुत और पावन आयोजन किया है। इस निमंत्रण के लिए हम प्रत्येक 160 घरों में घर घर जाकर निमंत्रण देने गए, उसमें 10 से लेकर 30-30 जने हमारे पेरेंट्स के साथ में सब जो उनका आशीर्वाद मिला उसका आज जो हमें प्रतिसाद और जो भव्यता मिली है बड़ा ही विहंगम अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य है। भोले बाबा का श्रृंगार अभिषेक पूजन पंडित बनखेड़ी वाले प्रदीप कृष्ण जी शास्त्री के और उनकी टीम द्वारा किया गया और भस्म आरती के तत्पश्चात अभी ये शोभा यात्रा पालकी यात्रा निकल रही है, तत्पश्चात सभी पेरेंट्स होनु एक सुखद पारिवारिक माहौल में। इस आयोजन को लेकर घर घर निमंत्रण दिया गया, भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और पालकी यात्रा भी निकाली गई। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ बना करके और बड़ा दिव्य पूजन किया, पूरे 12 एक साथ यजमान बैठे, साथ में 140 जोड़े भी बैठे पूरे परिवार के साथ और बड़े आनंद के साथ पूरे देश की सुख समृद्धि शांति और आनंद के लिए ये आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें बाबा महाकाल का भस्म आरती महाआरती महाअभिषेक 51 कलशों से जो है स्नान इत्यादि करवाए गए और सभी ने बड़ा आनंद यहाँ पर प्राप्त किया। शाही सवारी भी बाबा की यहाँ पालकी जो है निकाली जा रही है और ब्राह्मणों ने विगत तीन दिवसों से बड़ा परिश्रम किया ऐसे सुंदर शिवलिंग बना करके जो है यह परमानंद को इंदौर वासियों को प्रदान कराया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी रहा कि आज की पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़कर संस्कार दिए जा सके, साथ ही परिवार के रिश्तों में कड़वाहट के बजाय संस्कार और सम्मान की मिठास बनी रहे। कृष्णा जय महेश। जय महेश। आज हम ऐश्वर्य युगल से सूरज रचना परिवार, मैं यश शुभम लाहौटी, हमने यहाँ एक भव्य आयोजन किया है हरियाली अमावस्या के दिन। आज हमने सभी को ग्रीन कलर पहनाया है स्पेशली क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है, ताकि सब ग्रीन पहन के आए और हरे हरे रहें। हमने आज 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया है, बिल्कुल विधि विधान के साथ पंडित जी ने हमें कराया है इसी, और ये एक पारिवारिक माहौल है, इसमें हम सभी बड़ों का साथ और सभी का बड़ों का साथ चाहते हैं और ताकि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। आज हमने फ्रेंडशिप डे बनाया और आज हमने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडशिप डे भी बनाया। मैं शुभम लाहौटी या शुभम लाहौटी। माहेश्वरी समाज के रजत जयंती वर्ष में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।